हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति मुटकुरे। वेलकम टू माय चैनल आई लव कुकिंग। आज की हमारी रेसिपी है गार्लिक पाउडर। गार्लिक पाउडर यानी फ्रेंड्स जो हमारे ये लहसुन है, इसकी कलियों से हमें इसका एक पाउडर तैयार करेंगे। तो उसको बनाने का भी तरीका बहुत ही अलग होता है फ्रेंड्स। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक करके मेरी लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले अपने मोबाइल पे देखिए। सो फ्रेंड्स, हमें गार्लिक पाउडर बनाने के लिए जो लगेगा, इसमें हमें कोई भी इन्ग्रीडियंट्स की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, सिर्फ हमें लहसुन की जरूरत है। और लहसुन को हमने इस टाइप के लहसुन लिए फ्रेंड्स, उसके हमने इस टाइप से टुकड़े कर लिए, हमें इसके छिलके नहीं उतारना है। हम बिना छिलके उतारे ही इसका पाउडर तैयार करेंगे। तो उसके लिए फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, हमारा ये मिक्सर का जार लेंगे, उसमें हमें ये लहसुन की कलियां डाल देना है। ये पूरी लहसुन की कलियों को डाल देंगे हम और इसे हम ग्राइंड करेंगे। इसका एक फाइन पेस्ट हमें तैयार करना है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह का हमारा ये पेस्ट तैयार होगा। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम एक थाली लेंगे, थाली बोलो या फिर हमने ऐसे बम्बू का, इस टाइप का बम्बू का एक ये पड्डी आती है वो ले लो, या आप थाली पे भी रख सकते हो। थाली पे थोड़ा सूखने को टाइम लगता है, और इस टाइप का बम्बू का आप लेते हो तो उससे कैसा नीचे और ऊपर दोनों तरफ से उससे हवा लगती है, तो हमारे जो हम उसकी बड़ी बनाएंगे वो लहसुन की, वो जल्दी सूख जाएंगी। उसके लिए हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, अभी हम हमारे ये लहसुन की इस टाइप का लेंगे और इसे हम फैला देते हैं। इस तरह से इसे हमें थोड़ा थोड़ा करके फैलाना है। इस तरह हमें पूरे, यानी इसको बनाना है, लहसुन की बड़ी बनाना है, और इसे हम इस तरह से डालेंगे और इसे फैला देंगे ताकि ये थोड़ा पतला रहेगा फ्रेंड, तो जल्दी सूखेगा। और इसे हमें 2 से 3 दिन तक धूप में अच्छे कड़क होते तक सुखाना है। इस तरह का हमें पूरा बनाना है। और उसके बाद में फ्रेंड, जब हमारा ये सूख जाएगा, सूखने के बाद में ये इस तरह का तैयार होगा। हमारा जो ये है वो लहसुन का वड़ी इस टाइप की तैयार होगी। ये आप, ये ऊपर का भाग है फ्रेंड्स और ये नीचे का भाग है। जब नीचे का रहेगा तो ये इस टाइप से रहता है। तो फ्रेंड्स अभी हम क्या करेंगे, उसके बाद में इसे हम इस तरह से पूरा, ये देखो इस टाइप से कड़क होना चाहिए। ये टूटने के बाद में इसे तोड़ेंगे हम, इस टाइप का होना चाहिए, इस टाइप का। अब इसे हम मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे और इसका एक फाइन पाउडर बनाएंगे, वो होगा हमारा गार्लिक पाउडर। देखिए फ्रेंड्स, तैयार हो गया हमारा ये गार्लिक पाउडर। और फ्रेंड्स, हमने ये डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, आपको सिर्फ बताने के लिए ये थोड़ा सा पाउडर बनाया है फ्रेंड्स। आप चाहे तो ज़्यादा से ज़्यादा लहसुन लेके, बस जो तरीका आपको बताई सेम वही तरीके से आप बनाना है, और इसे धूप में अच्छे से सुखा लीजिए, उसका पाउडर बना के रखिए। और ये कई दिनों तक खराब नहीं होता फ्रेंड्स, आप इसे फ्रिज में रखिए, बाहर रखिए, जैसा भी रखिए, इसे कुछ नहीं होता। और जब भी हमारे पास में टाइम नहीं होता है कि हम लहसुन को छीले और उसका पेस्ट बनाए और तैयार करके सब्जी में डालें, नहीं है टाइम, तो उस टाइम में ये पाउडर डाल दिए, एक टीस्पून, आपकी सब्जी एकदम फ्लेवर वाली बन जाएंगी। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो के नीचे की लाइक की बटन को क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, आपको मेरी पिछली वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे सजेस्ट कीजिए और मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। एंड वंस अगेन, प्लीज़ गिव लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू सो मच।